बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ऐसे में जो है पढ़े थे हॉर्स के बारे में, तो इसको तो आप लोग याद किए होइएगा, वर्ड मीनिंग भी याद किए होइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कैमल के बारे में। कैमल तो आप लोग जानते हैं, ऊंट वो देखे हुए भी हैं आप, तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। द कैमल इज ए डोमेस्टिक एनिमल, ऊंट एक पालतू जानवर है। ही इज ए बिग एनिमल, यह एक बड़ा जानवर है। ही हैज फोर लेग्स, उसे चार पैर होते हैं। दे आर थिन एंड टॉल, ये पतले होते हैं लेकिन लंबे होते हैं। ही हैज टू आईज, उसे दो आंखें होती है। टू इयर्स, दो कान होते हैं। एंड ए टेल, एक पूंछ होती है। ही हैज ए लॉन्ग नेक बट ए स्मॉल हेड, उसे एक लंबी लंबी गर्दन होती है लेकिन उसका मुंह जो होता है वह छोटा होता है। ही हैज ए हम ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर एक कुब्बर होता है, जिसको इंग्लिश में हम्प कहते हैं, हिंदी में कुब्बर। द कैमल इज ए 7 to 8 feet tall। कैमल जो होता है, ऊंट जो होता है, वह 7 to 8 feet लंबा हो। ही इज ब्राउन इन कलर, यह भूरे रंग का। ही ईट्स ग्रास, लीव्स एंड थॉर्नी प्लांट्स, यह घास पत्ते और कांटेदार पौधे खाते हैं। ये शाकाहारी होता है। द कैमल इज फाउंड इन द डेजर्ट, ऊंट जो है अक्सर मरुभूमि में पाया जाता है। मरुभूमि मतलब बालू ही बालू, यहाँ बालू ही बालू होता है तो मरुभूमि कहते हैं, तो यह राजस्थान में पाया जाता है। ही इज नॉट हैंडसम टू लुक एट, यह देखने में सुंदर नहीं होता, बट ही वेरी यूजफुल, लेकिन यह बहुत उपयोगी जानवर है। ही कैन इजीली वॉक ऑन सैंड, यह बालू पर भूमि में पाया जाता है तो बालू पर आसानी से चल सकता है। ही कैन कैरी हेवी लोड्स, यह भारी वजन हो सकता है। ही कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सेवरल डेज, वह कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के रह सकता है। दे कैन नॉट डू विदाउट हिम, वे सो ही इज वेरी यूजफुल टू द पीपल फॉर द डेजर्ट, या इसलिए जो मरुभूमि में जो लोग रहते हैं उनके लिए यह जानवर बहुत उपयोगी है। दे कैन नॉट डू विदाउट हिम, वे इसके बिना अपना काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज व्हाई ही इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, और इसीलिए यही कारण है कि इसे मरुभूमि का जहाज कहा जाता है। इसमें एक चीज आपको बताते हैं बताना कि यह कई दिनों तक जो भूखा प्यासा रहता है तो इसका भोजन कहाँ रहता है, भोजन क्यों नहीं करता है। यह भोजन, यह जो हम कुछ बताए आपको, इसके पीठ पर कुबर होता है ना, उसमें यह कई दिनों का भोजन और पानी जमा कर देता है और उसी में से यह खाता भी रहता है और पीता भी रहता है। ना समझ रहे हैं, ये कुबर में ही वह पानी और भोजन को स्टोर कर जमा कर और उसी में से खाता है, इसलिए कई कई दिनों तक यह भोजन कर खाता भोजन करता है और न पानी पीता है। ठीक है बच्चों,
इसको याद कर लीजिएगा आप और कॉपी पर शेर के ऊपर लिख भी लीजिएगा और इस वर्ड को भी लिख लीजिएगा और याद कर, ठीक है। थैंक यू।